Listen friends, before we start the video, please click the subscribe button and also press the bell icon for new videos and new updates. Thank you. Guys, what's up? Welcome back to my channel, my new video. So guys, आज एक बात बोलूँ, मैं कोई intention नहीं था vlog बनाने का या कोई नीचे उतरने का भी plan नहीं था. मैं तो actually movie देख रहा था, दिल बिचारे दोस्त. कल सुशांत सिंह की movie आई थी, वो देख रहा था. एंड अभी सीन ऐसा हुआ कि जिनेंद्र का कॉल आया, जो पीछे बैठा है अभी फ़ोन पे बात कर रहा है कोई अपने काम के सिलसिले में. सो मैं सोचा अभी मैं व्लॉग स्टार्ट ही कर लेता हूँ, व्लॉग बना लेता हूँ. सो मैं तो खाली उससे मिलने आया था, तो मैं सोचा व्लॉग बना लेता हूँ नीचे आया तो. सो सीन ऐसा है, मैं माइक नहीं लाया, ट्राईपॉड भी नहीं लाया, कुछ भी नहीं लाया, खाली फ़ोन से शूट कर रहा हूँ. तो अगर आवाज़ सही से नहीं आ रही तो आई एम सो सॉरी, एंड आवाज़ बेकार की आ रही हो, आपको इरीटेट कर रही हो, तो आई एम उसके लिए भी सॉरी. सो आज का व्लॉग कोई ऐसे बना रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं, कोई सोच के नहीं बना रहा मैं, ठीक है. तो अभी यहाँ से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, दो चीज़ यहाँ से दिखा देता हूँ. पहली चीज़, यहाँ पे जो गार्डन हुआ करता था, अब यहाँ पे गार्डन है कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि दिख नहीं रहा कोई गार्डन है. इस गार्डन को बोलते हैं लवर पॉइंट. लवर पॉइंट यहाँ पे सब तोता मैंने मजनू लैला मजनू ही बैठते हैं, ठीक है. क्या करता आपको पता है, जो पीछे गाड़ी दिख रही है ये वाली, ये गाड़ी में अभी सीन चल रहा है. अभी जब अभी ऐसे ब्लॉक कर रहा था ना, तो कुछ कर रहे थे, मैंने हट गया वहाँ से, ठीक है. तो कैप्चर नहीं किया मैंने, थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगता, मैं वहाँ से हट गया, ठीक है. सो एक चीज़ थी यहाँ पे लवर गार्डन है पीछे मेरे. एंड एक चीज़ और दिखाऊँ, वो आपको बहुत काम आएगी आगे, अगर आपके हुआ ऐसे सीन ऐसा तो. देखो बस ये जो है ना, ये यहाँ पे गाड़ी सारी जमा होती है. अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपका हेलमेट नहीं है, गाड़ी जमा हो जाती है, तो यहाँ पे सारी गाड़ी खड़ी रहती है, ठीक है. अगर आप विहार मॉल या राहुल राज जो अपने मॉल है ना अपने सूरत में, अगर वहाँ से आपकी गाड़ी पकड़ी, तो आप यहाँ आ जाना सीधा, और यहाँ पे आपकी चलान वगैरह फटेगी, और बाद में आप यहाँ से गाड़ी ले सकते हो, ठीक है. सो अभी यहाँ पे एक गल्ला हुआ करता था अंदर, वो गल्ला अभी भी बंद हो गया है, कि गल्ला वहाँ से हटा दिया, क्योंकि ये सब पूरा यहाँ से ये गाड़ी का पूरा आ गया, ठीक है. तो आपको अगर हो जाए इशू कि आपकी गाड़ी जमा हो गई ये वी आर मॉल से कहीं से, तो सीधा यहाँ पर आ जाना, और यहाँ से आपकी अपनी गाड़ी छूट मिल जाएगी, ठीक है. गाड़ी के दंड मरने पड़ेंगे कुछ 500 या 1000 रुपये, उसकी आपकी गाड़ी मिल जाएगी. और इस गली, कौन सी गली है आपको बता देता हूँ, ये गली है आगे, चलो आगे बता दूँ, अभी ऐसे समझ नहीं आएगा, आगे जाके थोड़ा बता दूँ, ठीक है. तो चलो अभी एक गाड़ी दिखा देता हूँ, गाड़ी में क्या हो रहा है. जगह का नाम फ्लोरल है, मुझे खुद को पता अभी चला, मेरे को पता नहीं था, यहाँ पे ओवरा के नाम से जानते हैं इस गली को, बट फ्लोरल नाम है. और आपकी गाड़ी फंस जाए तो यहाँ पे चले जाना, ठीक है. फ्लोरल की गली और एंड में जाके आपकी गाड़ी मिल जाएगी, ठीक है. ओहो गाइज, हमारे ये राजू भैया, आई मीन राजंस, पता नहीं वापस कब दर्शन होंगे इस भैया के. तो गाइस, ऐसे बच्चों तो बहुत खुश है कि अपने स्कूल बंद है, मौज मार रहे हैं, बट जिसको अपने स्कूल की याद आ रही है, खासकर लेंसर वालों, तो देख लो बाहर से. एंड बिग बाज़ार, लिटरली गाइस, मैं 4 महीने बाद ये बिग बाज़ार बाहर से देखा है, पता नहीं कब अंदर जाने मिलेगा. और ये ऑटो वाले को देखो, ठोकेगा भी, बच गया. अभी कैसा होता है, हम 25 साल तक पढ़ते नहीं हैं, और बाद में जब देखते हैं अपने बुक को कितनी धूल मिट्टी होती है. मेरे को लगता है सेम मॉल में वही हालत है. तो भाई ये मॉल में इतनी कोई मौज नहीं है, बट मॉल तो ये भी है, आज तो इसमें भी जाने की इच्छा हो रही. 4 महीने हो गए गए नहीं, पता नहीं कब जाएंगे अंदर. मिसिंग. इस बीच में बोला था ना झंडा कहाँ गया, लग गया था, बट वापस गायब हो गया, क्यों? तो भाई अभी मेरे को निकले तो कुछ आधा घंटा हुई होगी, और मैंने थोड़ा सा राउंड काट लिया, जहाँ से मैं आपको बताया फ्लोर, वहाँ से लेके अभी यहाँ तक आया हूँ मैं. यहाँ पे सफल स्कर, मतलब इतने रास्ते में मेरे को बोलते ना एक इंसान नहीं दिखा, और थोड़ी बहुत गाड़ियाँ दिख रही, जैसे ये गाड़ी आ गई, वैसे थोड़ी बहुत गाड़ियाँ दिख रही है, और बोलते सब बंद पड़ा है, सब कुछ खाली, खाना पीने का और गल्ले पीने पड़े, बाकी सब बंद पड़ा है. और मैंने आज से सूरत ऐसा देखा नहीं है कि एकदम ऐसे बंद पड़ा हो, खाली एकदम सपाट टाइप, मतलब बहुत बेकार फील हो रहा है मेरे को, मज़ा ही नहीं आ रही घूमने में. एंड खाने पीने की चीज़ देख के गाइस मेरे को बहुत बोलता है, इतने अंदर सा पेट बोल रहा है, दिखे खा ले, थोड़ा खा ले, थोड़ा सा खा ले, बट आज बंदे हुए कुछ नहीं कर सकते, नहीं खाना है. इसलिए मैं नीचे आने के बोलते हैं, थोड़ा सा फील होता है नीचे नहीं आया, डर लगता है, क्योंकि नीचे आने के बाद ये सब करने की इच्छा होती है, वो कर नहीं सकते. गाइज, हमारे ये पबजी स्पॉट हुआ करता था एक टाइम पे, मतलब घंटों बिठाते थे यहाँ पे, मस्त पबजी खेलते थे. गाइज, ये गली है ना, कपल एक गाना गा सकते हैं, ये गली, ये चोबारा वाला गाना है ना वो, क्योंकि ये लवर पॉइंट की गली है,
यूनिवर्सिटी 45 मिनट घूमने के बाद थोड़ी देर बातचीत की दिनों के साथ और फिर हम बस घर पे पहुंच गए। बहुत गर्मी है, घर पे जाके बात करता हूँ जिन्हों को अपने भाई भाई बोल देते। ठीक है, बस जा रहे भाई 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 भाई। ये क्या है गाइस, भैंस सब सही है पर ये धुआं, नहीं यार नहीं, जाने दे भाई। मतलब फंस गया था मैं पूरा गाइस, इतना गंदा फंसा था मैं यहाँ पे। चलो तो मैगी खाते खाते देखेंगे अब दिल बेचारा। ऑलराइट गाइस, सो जस्ट मूवी ख़त्म हुई है एंड मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं मूवी बात कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं कहाँ ख़त्म करूँ। सो मूवी की बात स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलूँ, जब मैंने मूवी स्टार्ट की थी ना तो मैं जो पोजीशन में बैठा था मैंने वही पूरे पोजीशन में सोते सोते मूवी ख़त्म की है। एंड मैं इतना मूवी में घुस गया कि मुझे पता नहीं मैं मूवी देख रहा हूँ, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ इट्स ऐसा रियल में कोई मुझे कहानी बता रहा है या कहानी मैं देख रहा हूँ या मतलब बोलते ना एकदम रियल में ऐसा हो रहा है ऐसा लग रहा था। एंड एक और बात बोलूँ, मैं स्पॉइलर नहीं बनना चाहता ये मूवी के बारे में क्योंकि मुझसे ज़्यादा मुझे पता है आप में से बहुत लोगों ने देख ली होगी बट जिसने नहीं देखी उसके लिए मैं स्पॉइलर नहीं बनना चाहता। ठीक है, तो मैं उतना तो नहीं बोल पाऊँगा कि मूवी में कैसा होता है कैसे एंडिंग होती है क्या क्या है क्या नहीं है वो नहीं बोलूँगा, बट ऐसा बोल सकता हूँ कि उसकी जो स्टोरी है उसके जो सॉन्ग्स है उसके जो एक्शंस है और ओवरऑल जो भी चीज़ है वो एकदम बोल देना एक नंबर है। मतलब सबकी एक्टिंग सब कुछ एक नंबर है। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा हो तो ऐसा बोलूँ ना कि आपने कोई भी चीज़ देखते तो बोलते हो फक या कतई जहर ओ भाई एक नंबर, तो उस भाषा में समझ लो आप ऐसे बोल सकते हो उस मूवी को। लिटरली मुझे पता नहीं चला वो मूवी कब ख़त्म हो गई और कब स्टार्ट हुई, मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आई थी। अब एक और बात बोलूँ ना, जिसको ये ड्रामा थ्रिल एडवेंचर एक्शन वो जो उनको वो मूवी पसंद आती है उन लोगों को ये मूवी पसंद नहीं आएगी क्योंकि वो सब मूवी में एक्शन होता है एडवेंचर होता है वो सब होता है, इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं था। इस मूवी में टोटल ऑफ रोमांस एंड लव था तो चीज़ उनको पसंद नहीं आई, बट एक बार के लिए वो भी देख लेंगे तो वो भी बोलेंगे मज़ा आ गई ऐसा बोलेंगे। सो गाइस, और तो मैं मूवी के बारे में क्या बोलूँ, अगर आप को पसंद है ऐसी मूवी देखना सो देखना, जाके टाइम निकाल के मज़ा आएगी और स्पेशली रात को देखना। मैंने दिन में देख ली, मैं थोड़ा जल्दबाजी में देख ली बट कोई नहीं, मैंने रात को देखना, रात को और मज़ा आएगी। एंड मुझे पता भी मैं बोल नहीं पा रहा। सो गाइस, मुझे एक दो चीज़ें और बोलनी है बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अभी आपसे बात करूँ कि नहीं करूँ, मैं वो बात आगे करूँगा बट अभी एक दो चीज़ें बात कर ही लेता हूँ। जैसे कि जो प्यार मोहब्बत की जो चीज़ें बोलते हैं ना लव एंड ऑल, वो होती तो बड़ी कुत्ती चीज़ है। मतलब अपने पास जब हो अगर बहुत टाइम से अपने पास नहीं है लड़की या प्यार जो भी रिलेशन बोलते हैं बट जिस दिन वो आ गया मतलब हम बहुत भयंकर वाला उसको वैल्यू देंगे इंपॉर्टेंस देंगे और ऐसा इंपॉर्टेंस वैल्यू देंगे कि हम अंधे हो जाएंगे और उसको सर पे बिठा लेंगे। मतलब बाद में उसको हम ऐसा कर देंगे, बाद में जो जो वो बोलेगी जो जो उसको चाहिए होगा वही हम करेंगे, हम उसके लिए बोलते कुत्ते की धूम बन जाएंगे। तो मेरा बोलने का मतलब मेरे बोलने का मैसेज ये है कि अगर रिलेशन में हो ठीक है तो इतना अंदर डीपली मत चले जाओ कि उससे हद पार उसे इम्पोर्टेंस वैल्यू आपकी पूरी हर एक चीज़ दे दो, समझ रहे हो। और उसके अंदर मैं एकदम बोल रहा डिटेलिंग में थोड़ा बाद में बताऊँगा, आप ये सोचो कि तू इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं। गाइस 8 साल तक बीच में मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस किया था ये चीज़, और मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई ऐसी चीज़ सफ़र करो, खासकर लड़के, क्योंकि लड़कियां मैंने देखी है और मैंने हुआ भी है कि वो छोड़ के चली जाएगी बाद में उसको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ठीक है, और वो उनका माइंड सेट बहुत अलग होता है, किसी ने और ने उसको भला क्या फुसला लिया तो चली जाएगी एंड देन वो सोचेगी नहीं कि हमारा कोई था ये था रिलेशन था कुछ था, नो शी विल नेवर रिमेंबर दिस ऑल ठीक है। हम लड़कों का ऐसा है कि बाद में वो चली भी जाएगी किसी और के साथ या कुछ हो जाएगा तो हम बाद में सोचते रहेंगे कि वो थी ऐसा हुआ था एक टाइम पे वो था एक टाइम पे मेमोरी वो सब वो बाद में दर्द देती है। तो रिलेशन होती बहुत नाजुक सी, एक बोलते ना एक अलग सी लाइफ स्टाइल हो जाती है, अलग सा एकदम बोलते ना एक अलग सी, मतलब लड़कियाँ ऐसे बोलूँ तो एक दोस्त तो अपने दो बातों शेयर करते हैं दोस्त के सामने गाली दोस्त करके या जैसे भी शेयर कर लेते हैं,
कुछ कुछ चीज़ें होती है अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते, वो लड़कियों के साथ करते हैं अपने, ठीक है। और जो लड़कियों का माइंड सेट, लड़कियों का ओपिनियन, लड़कियों का एडवाइस होता है, लड़कियों का जो सपोर्ट होता है वो अलग ही होता है, ठीक है। कुछ चीज़ों में लड़कियाँ बहुत अच्छी है और रिलेशन भी बहुत अच्छा है, बट एक लिमिट अगर क्रॉस हो गई तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है अपनी लाइफ पे, अपने हर एक चीज़ पे। सो ये बात थी, आप मेरे को समझ रहे हो तो अच्छी बात है। नहीं कोई बड़ी बात नहीं, आगे जाके अच्छे से समझाऊंगा, अभी ब्लॉग बड़ा नहीं करूंगा, ठीक है। और इसके क्या मेरे साथ ऐसा क्या सीन हुआ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो जानना है आपको, तो आप अभी बता दो, मैं बैठ के आराम से बता दूंगा आपको, अभी तो फ्री हूँ, या नहीं तो मैं अपना आप ही बता दूंगा थोड़े टाइम बाद। बस अभी मैं बोल इसलिए नहीं पा रहा हूँ सही से क्योंकि मेरे दिमाग में वही सब चल रहा है और मैं सोच रहा हूँ कुछ, और इसलिए मैं ब्लॉग भी सही से नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग ख़त्म ही कर दूँ, खोटी ऐसे बात करने का आपको बोर होगा। तो 22 साल हो गए, सो देखना आप मूवी, मज़ा आएगी, स्टोरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, एक नंबर है। एंड बस बाय बाय, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगा और आपने मूवी देखी हो तो आपका क्या ओपिनियन है, आपको कैसा लगा कैसा नहीं है, जो भी है मुझे कमेंट करके या मुझे इंस्टा में बताना, मैं भी जानूँ आपको कैसी लगी। एंड वो तो ठीक है मूवी, मेरा ब्लॉग कैसा लगा वो भी बता देना, ठीक है। लाइक नहीं करो, डिसलाइक नहीं करो, कमेंट कर देना, और बेकार लगा तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड